हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नवाज है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो है चरस और गांजे से भी बहुत ही डेंजर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? एस्पिरिन। पहले एस्पिरिन क्या होता है मालूम कर लेंगे, क्योंकि एस्पिरिन चरस और गांजे से डेंजर बताया था। क्यों बताया था, उसका रीज़न अब वीडियो के आखिर में मिल जाएगा, अब वीडियो को आखिर तक देख लें। और इसके ये क्या काम करता है, किस लिए प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, क्योंकि बहुत ही अच्छा पेन किलर है, दर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और फीवर यानी बुखार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेडिसिन है। बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, और यह बहुत ही अच्छा मेडिसिन खुद बता रहा है, खुद चरस और गांजे से डेंजर बता रहा है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल ब्लड थिनर है, यानी ब्लड को पतला करता है, खून को पतला करता है। क्यों खून को पतला करना? क्योंकि खून आर्टरी के अंदर होता है, एक ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी खून एक जम गया, उधर एग्रीगेशन हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह खून सही से नहीं हो पाएगा, यानी एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी दिल को जाने वाला आर्टरी यानी ब्लड वेसल्स अगर ब्लॉक हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, दिमाग को जाने वाला आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया तो यानी स्ट्रोक आ सकता है। ये सब लोगों को पता है, जैसे कि आप पहले वीडियो में बताया था। ये तो बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, फिर क्यों चरस और गांजे से डेंजर? क्योंकि ये ज़्यादा पतला कर दिया। अब ज़्यादा पतला करने की वजह से ये कॉग्निटिव स्ट्रोक से बचा सकता है, सही बात, लेकिन जो है ये कभी ज़्यादा पतला करने के तौर पर ब्लड वेसल्स रप्चर होकर बाहर ब्लड आ जाएगा, यानी खून बाहर निकल जाएगा। खून बाहर निकलने की वजह से जो है हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है, जिसकी वजह से बिना सिम्टम्स के भी मौत आ जाएगा। इसी वजह से जो है चरस और गांजा में तो थोड़े बहुत सिम्टम्स बताएंगे, और ये मेडिसिन अगर शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं, जैसे 5 दिन 6 दिन दर्द के लिए यूज़ करते हैं, फीवर के लिए यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यही मेडिसिन अगर लॉन्ग टर्म में 3 महीने 4 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और जो है लीवर डैमेज होता है, किडनी डैमेज होता है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा, इतना सब डेंजर बता दिया, तो फिर दूसरा कौन सा मेडिसिन यूज़ करें इसके बदले में, क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रोक भी आ सकता है ना, कॉग्निटिव स्ट्रोक को प्रिवेंट करने वाला यही एक मेडिसिन है। तो उसके लिए आपके घर में खुद नेचुरली अवेलेबल रहने वाला मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन बता रहा हूँ, जो कि आपके घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके मसाले के किचन के आइटम में ही रहेगा। पहला है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ब्लड थिनर के तौर पर, यानी ब्लड को पतला करता है, कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन को खोल देता है। और इसके अलावा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आप यानी बहुत सारे डिजीजेस से इससे बच सकते हैं, ये नेचुरल इम्यून बूस्टर है। और दूसरा अदरक, अदरक भी जो है बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, नेचुरल एसिड है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है एस्पिरिन के बराबर है, क्योंकि एस्पिरिन सिंथेटिक फॉर्म में एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से बना हुआ होता है एस्पिरिन। तो ये अदरक और एस्पिरिन दोनों बराबर बराबर काम करते हैं, तो आपको वो इस्तेमाल करना, यानी एस्पिरिन इस्तेमाल करने के बदले में आप अदरक बिना डरे बिना खौफ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। दूसरा जो है जीरा, क्यूमिन। जीरा भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है ब्लड थिनर के लिए। इसके अलावा जो है ये खासतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी अमराज़े निज़ाम हज़म में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत अच्छा मेडिसिन है। उसके अंदर जो ब्लीडिंग होते हैं उसको भी रोकता है, और इस तरह से काम करता है ये। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मालूम हो एस्पिरिन कितना डेंजर है। तभी दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए सही दिखा फ्यूचर। चीयर्स, बाय बाय।